हेलो दोस्तों, पढ़िए सीखिए में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली और भी वीडियोस आप देख सकें। वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखिए। तो जैसा आप देख पा रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वाक्य, ठीक ना। चलिए आते हैं सेंटेंस। इस हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य, ठीक है ना। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस कुछ नहीं है, सेंटेंस कलेक्शंस। क्या है? कलेक्शंस है। किसका कलेक्शंस है? कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स है। किसका कलेक्शन है? कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स है। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो, सेंटेंस क्या है? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस क्या है? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। यानी सेंटेंस या तो कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स बोलो या फिर आप ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बोलो, लेकिन सिर्फ कलेक्शंस या ग्रुप्स ही नहीं, बल्कि ऐसे कलेक्शंस या ग्रुप्स है ना जिनका एक प्रॉपर मीनिंग है। क्या है? एक प्रॉपर मीनिंग है। यदि आपकी सेंटेंस की प्रॉपर मीनिंग नहीं है तो वो क्या है? वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं ना, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जिसका एक अर्थ होता है। अगर आपको समूह का अर्थ नहीं है और आपके पास बहुत सारी शब्द हैं तो वो आपकी अर्थ नहीं बना पा रही है, तो वो सेंटेंस नहीं है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक बार एग्जांपल देते हैं। बॉय गुड राम इस, जैसा कि सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे, बॉय गुड राम इस सेंटेंस में हमें कुछ मीनिंग नहीं फाइंड हो पा रही है कि राम क्या है, क्यों है, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। बट अगर एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि राम इज ए गुड बॉय। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखो ना, तो यहाँ पे क्या है? राम इज ए गुड बॉय, जो हमें एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, अर्थात राम एक अच्छा लड़का है। जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में ना तो उसकी कोई प्रॉपर मीनिंग थी और ना तो कुछ ही हो। देखिए, दोनों में ही शब्द हैं, ठीक। अगर यहाँ पर अगर हम ए भी ले लें, जो मिस हो गया यहाँ पे, तो अगर हम ए भी ले लें तो ये देखिए सेम वर्ड्स दोनों में है, सेम कलेक्शन है वर्ड्स की, बट ऊपर वाला मेरे को मीनिंग नहीं दे रहा है जबकि वाला मेरे को मीनिंग दे रहा है। राम इज ए गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। तो हम क्या कह सकते हैं? नीचे वाला जो मेरा सेंटेंस है वो क्या है? वो एक सेंटेंस है, जबकि ऊपर वाला वर्ड्स क्या है? मेरा सेंटेंस नहीं है। भले ही उसकी मीनिंग्स क्यों ना हो, बट वो सेंटेंस नहीं है, ठीक ना। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक सेंटेंस बनता किन चीज़ों से? अगर आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हो ना, राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे राम क्या है? राम एक नाउन है। राम क्या है? एक नाउन है। इस क्या है यहाँ पे? इज एक हेल्पिंग वर्ब है। इस क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब। इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सहायक क्रिया। नाउन अर्थात तो इसे हम लोग संज्ञा कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक क्या है यहाँ पे? एक आर्टिकल है। एक क्या है? एक आर्टिकल है। गुड क्या है यहाँ पे? गुड एक एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। और बॉय यहाँ तो फिर से नाउन है, यानी फिर से संज्ञा। एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, आर्टिकल वगैरह हुआ, एडजेक्टिव हुआ, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम देखेंगे, ठीक है। तो एक सेंटेंस देखिए फॉर्म करने के लिए, राम इज ए गुड बॉय में मेरे को नाउन लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा, आर्टिकल लगा और एडजेक्टिव वगैरह, ऐसे कई सारी चीज़ मिलाकर एक सेंटेंस फॉर्म होती है। तो एक सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, यानी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग है। तो अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े ना हम लोग, तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि राम क्या है यहाँ पे? ये जो राम है ना यहाँ पे, ये मेरा क्या है? ये राम मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, अर्थात काम को करने वाला या जिसके द्वारा काम को किया जा रहा है उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है।
जबकि एक गुड बॉय क्या है यहाँ पे, एक गुड बॉय यहाँ पे पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो राम इज अ गुड बॉय में राम एक सब्जेक्ट है, जबकि ए गुड बॉय क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हमने ये देख लिया पूरा सेंटेंस को ब्रेक करके कि एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स है या फिर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है जिसकी एक प्रॉपर मीनिंग होती है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो सेंटेंस की तो आप लिख पाओगे सेंटेंस इज नथिंग बट, सेंटेंस इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है ना? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का वह समूह है, शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ हो उसे सेंटेंस कहते हैं, अर्थात उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक ना? तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस से ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स या फिर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स से, जैसे हम जिसका एक प्रॉपर मीनिंग हो उसे सेंटेंस कहते हैं, अर्थात ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग? ठीक है, थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े हम तो देख पाएंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस अर्थात वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार देखिए, सेंटेंस मेनली पांच टाइप के ही होते हैं। ठीक है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं मैं लिख देता हूँ। देर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? देर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य पांच प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के वाक्य पांच प्रकार के होते हैं। ठीक, जिसमें पहला नंबर आपका है वो है नंबर वन इज द असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। कुछ लोग इसे या फिर इसे ही डिक्लेरेटिव क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका हिंदी में नाम होता है अभिकथनात्मक वाक्य। अभिकथनात्मक वाक्य। ठीक है, अगला नंबर जो है वो है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर सी जो है वो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अभिगात्मक वाक्य।
आवेगात्मक वाक्य, नंबर डी है इसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य नंबर फाइव, और जो लास्ट है वो है आपका ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, यहाँ तक आप लोगों का शायद क्लियर होगा। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज नथिंग बट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स या फिर कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं अभिकरणात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस को कहते हैं आवेगात्मक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी को कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य और ऑप्टेटिव को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। यहाँ तक क्लियर है, थोड़े और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा जो पहला है वो क्या है, वो है असर्टिव सेंटेंस। क्या है नंबर वन असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या फिर इसे ही कहते हैं डिक्लारेटिव सेंटेंस, डिक्लारेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस कुछ भी नहीं, वो सारे सेंटेंस जो आपको एक स्टेटमेंट दे, क्या दे, स्टेटमेंट दे, उसे हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब स्टेटमेंट किसके बारे में होगा, या फिर किसी घटना के बारे में हो, किसी कंडीशंस के बारे में हो, या फिर किसी के पोजीशंस के बारे में हो, स्टेटमेंट होगा तो उसे हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस यानी अभिकथनात्मक वाक्य। यानी जिस किसी भी सेंटेंस से मुझे क्या हो, मुझे एक स्टेटमेंट मिले, मैं हम क्या कहेंगे, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन अगर देखें तो, हम डेफिनेशन अगर देखें तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अर्थात हिंदी में देखो तो जिस किसी भी वाक्य से हमें क्या हो, किसी घटना या फिर अवस्था का बोध हो, से हम क्या कहेंगे, अभिकथनात्मक वाक्य। ठीक है ना, हिंदी में क्या लिख सकते हैं, जिस वाक्य से, जिस वाक्य से हमें किसी घटना स्थिति या फिर दशा का बोध हो, किसका बोध हो, दशा का, दशा का बोध हो, उसे अभी कथनात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग अभिकथनात्मक वाक्य कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़े ना हम लोग, तो असर्टिव सेंटेंस के मेनली दो टाइप होते हैं, एक आपका होता है अफर्मेटिव, एक होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस जो है ना, जो असर्टिव सेंटेंस है ना, ये दो टाइप के होते हैं असर्टिव सेंटेंस, ये मेनली दो टाइप के हैं। इसमें नंबर वन आता है आपका
अफर्मेटिव, अफर नेटिव सेंटेंस, सेंटेंस एक होता है आपका नेगेटिव, ये दोनों के दोनों असर्टिव के ही पार्ट है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या है, देखिए जिस किसी भी सेंटेंस में आपका नॉट का सेंस हो ना, वो आपका नेगेटिव सेंस होगा, या फिर जहाँ पे नथिंग, नबडी, विदाउट, वो सारे वो आपके क्या है, वो आपके नेगेटिव सेंटेंस है। जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, जहाँ पे हमेशा, जहाँ पे आपका सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव यानी हाँ में हो, ठीक है ना, वो आपको क्या होगा, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस हमेशा यस में होता है, किस में होता है, सेंटेंस हमेशा यस में होता है, ठीक है। ये वाला क्या होने वाला है, ये सेंटेंस हमेशा, यह हमेशा यस में होगा, यस यानी इसमें पॉजिटिव सेंस होगा। जबकि ये वाली किस में होगी, यह सेंटेंस जो होगी वो ना अर्थात नॉट में होगी, सेंटेंस नॉट में होगा, ठीक है। अगर आप किसकी कुछ अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखो ना, तो ये सेंटेंस किससे होते हैं, इस वाले में क्या क्या आते हैं, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर हम लोग देखें तो इसमें नॉट आते हैं, नथिंग, ने, नबडी, नेवर, ये सभी क्या है, ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड्स शो करते हैं, नाइदर नॉर, उसके अलावा नाइदर नॉर, ये सभी क्या है, इसके की वर्ड्स आप ले लो नेगेटिव सेंटेंस के। जबकि अफर्मेटिव वाले में क्या होता है, यहाँ पे हमें कहा आपका ऑलवेज, एवरीबडी, एवर, समबडी, आइदर और, दर और, तो ये क्या दिखाता है आपका, ये आपको दिखाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा हाँ में होगा, जबकि नेगेटिव सेंटेंस हमेशा इसका उत्तर ना में होगा। मैंने आपको कीवर्ड्स भी दे दिए हैं, एक अगर नोट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अगर आप लोग एक नोट देखो तो यहाँ दे देता हूँ, जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस होगा ना, तो असर्टिव सेंटेंस हमेशा एक फुल स्टॉप स्टेंट होता है, किसे ऐड नहीं होता है, हमेशा फुल स्टॉप से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, मतलब एक सेंटेंस में अगर आप कीवर्ड्स देखो, कुछ अगर इंपॉर्टेंट नोट अगर आप, तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है ना, वो हमेशा सब्जेक्ट से, स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट बोले वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरुआत में क्या होगी, वहाँ पे एक सब्जेक्ट होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वर्ब आएगा, और जो सेंटेंस होगा स्टार्ट एंड कैसे होगा, एंड होगा फुल स्टॉप से। तो अगर आप यहाँ न्यूट्रल लेंगे तो पहली सेंटेंस होती कैसे, पहले यहाँ पे सब्जेक्ट होगी एक, ठीक है, सब्जेक्ट फॉलो करेगी किसको, एक वर्ब को, और वो वर्ब जो है वो किससे एंड होगा, फुल स्टॉप से एंड होगा, ठीक है। मतलब एक स्टेटमेंट में क्या होता है, इन अ स्टेटमेंट द सब्जेक्ट एट द बिगनिंग इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग, देयर आफ्टर वर्ब्स, एंड द वर्ब कम्स देयर आफ्टर, देयर आफ्टर, एंड एंड सेंटेंस एंड्स विथ, एंड्स विथ फुल स्टॉप, ठीक है। मतलब एक असर्टिव सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, फिर वो वर्ब को फॉलो करेगा, वर्ब एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से। तो यह था आपको याद ही रखना कि जो जब कभी भी कोई असर्टिव सेंटेंस हो ना, वो किससे एंड होता है, वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है, ठीक है।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, या फिर आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसकी पार्ट टू देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगी, आपकी सेंटेंस खत्म हो जाएगी, फिर आगे हम और देखेंगे। वीडियो के देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्ते।